नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, दोनों इंडेक्स की हम जो है आज यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से आज मूव हुई है और किस तरह से कौन से पैटर्न इंपॉर्टेंट थे, कहां से बाउंस बैक हुआ। आज जो बाउंस बैक की मैं आज बात आपको बताता हूं, वहां पर मैं आज आपको बाउंस बैक दिखाने वाला हूं कि बाउंस बैक वाकई किसको कहते हैं और कहां से बाउंस बैक आता है और कहां से हमको ट्रेड लेना चाहिए। तो फाइनली देखिए, हम आ चुके हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट में। चलिए उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए, हम ऑप्शन ट्रेडर हैं, सो यहां पर बैंक निफ्टी की मैं डेली यहां पर वीडियो बना के आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूं। यहां पर मैं अपने जो भी मैं कल को जो भी प्लान मेरा होता है वो सारे प्लान में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि मैं कल इस तरह से ट्रेड करने वाला हूं, सारी चीजें मैं आप लोगों को कंटिन्यू में बताता हूं। तो फाइनली यहां पर देखेंगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखिए अगेन एक डोजी कैंडल बनी है और डोजी कैंडल जो है, देखिए हमारे जो कल का ट्रेडिंग प्लान था वो ये प्लान था। देखिए मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलूंगा और वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। फाइनली देखिए, यहां पर एक जो हमारे पास ये रजिस्टेंस जोन था, ये रजिस्टेंस जोन हमारे पास था ये 32,300 के आसपास। और फाइनली यहां पर देखिए कल यहां पर जो टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूं, एक इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। टाइमिंग देखिए, अब यहां पर देखिए हम सेकंड सेशन में जो है बिल्कुल यहां पर रेंज बाउंड हो गए थे। मींस हमने यहां पर एक रेंज बनाई थी और हमारा ट्रेडिंग प्लान ये था कि जैसे हम रेंज को ब्रेक करेंगे, फ्लैट ओपनिंग होगी तो यहां से बाइंग कर लेंगे। बट हुआ क्या, यहां पर अगेन सेम चीज हुई जो इस ट्रेडिंग डे को, मींस ये जो तारीख थी हमारी 12 जनवरी को छोड़कर इससे पहले जो होता हुआ आ रहा था वही चीज हुई सेम। मींस क्या हुआ, मतलब गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट अगेन डाउन। और यहां पर मैं चल आपको लेके चलता हूं, यहां देखिए गैप अप ओपनिंग, इस दिन भी मार्केट डाउन, यहां भी गैप अप ओपनिंग के बाद यहां डाउन, यहां भी गैप अप ओपनिंग और कंटिन्यू डाउन। सो मतलब आज फिर बैंक निफ्टी ने अपना यहां पर देखिए सेटअप चेंज किया था, बट यहां पर अगेन फिर जो पुराने वाले सेटअप में आ गया। और फाइनली यहां पर देखिए, यहां पर ट्रेड बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड यहां पर मिल सकते थे। यहां पर देखिए फाइनली एक ट्रेंड लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ की और यहां पर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद हमको एक बहुत अच्छा मौका यहां पर मिला सेलिंग करने के लिए। फाइनली देखिए, यहां पर हमारा सपोर्ट था और इस सपोर्ट के आसपास देखिए, अब देखिए सपोर्ट के आसपास देखिए यहां से लेके बाउंस बैक हुआ। अब ये बाउंस बैक जो हुआ है इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक कारण है। देखिए जो ये पहले रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस देखिए फाइनली यहां पर आकर सपोर्ट बना। देखिए नीचे की तरफ गया तो जरूर है लेकिन क्लोजिंग नीचे की तरफ नहीं हुई है, हमको क्लोजिंग से मतलब होता है क्योंकि हम क्लोजिंग के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए कितनी अच्छी एक हैमर कैंडल मिली है और इस हैमर कैंडल के बाद फाइनली यहां से मार्केट बाउंस बैक हुई है। तो अगेन देखिए, मैं आप लोगों को यहां पर एक 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि यहां पर आप किस तरह से ट्रेड ले सकते थे। फाइनली देखिए, यहां पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। अगर मैं आप लोगों को इस तरह से ड्रॉ करके बताऊं, देखिए मैं जो चीजें जो मैं करता हूं वो चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं शर्म नहीं करता हूं बताने में, क्योंकि देखिए लोग जो होते हैं नहीं बताना चाहते हैं, अपनी पर्सनल चीजें नहीं बताना चाहते हैं कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूं, क्या करता हूं, बट यहां पर मैं आप लोगों को सारी चीजें शेयर कर देता हूं। तो फाइनली देखिए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहां पर हमको एक अच्छी मूव देखने को मिली। चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और कल की हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कल हम किस तरह से करेंगे। इसके बाद हम निफ्टी इंडेक्स की जो है एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अब यहां पर देखिए क्या बन रहा है, आप लोगों को मैं दिखाता हूं। अब नीचे से जो हमने यहां पर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके रखी हुई है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन नीचे से कंटिन्यू आ रही है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं और कलर में इसको ब्लैक कर देता हूं। और देखिए ये ट्रेंड लाइन जो यहां से कंटिन्यू आ रही है, अब हमारे पास जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस है, वो चीजें मैं बता देता हूं आपको। हमारे पास जो अब देखिए सपोर्ट है वो नीचे ट्रेंड लाइन है और जो ये रेजिस्टेंस है वो अब ये एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस है, मींस 32,680 से लेकर के 32,700 का एरिया आप रेजिस्टेंस मानिए। फिलहाल अभी हमारे पास 32,680 का एरिया रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहां पर दो बजे के बाद से यहां पर बाउंस बैक चालू हुआ और बाउंस बैक होते होते यहां पर देखिए कितना नीचे जो लो लगा 32,155 का लगा और जो यहां पर हाई लगा 32,631। मींस हम यहां पर कह सकते हैं कि हम 500 पॉइंट्स के आसपास हम यहां पर जो है बाउंस बैक हुए। अब कल क्या हो सकता है, कल देखिए कल यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सामने अभी एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। मे बी यहाँ पर से यहाँ जाने के बाद कल यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, 32,680 के लेवल जाने के पास यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर आ सकता है और सेलिंग प्रेशर के बाद मार्केट जो है आपको या तो इस रेंज में मिल जाएगी 32,350 के आसपास या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास। अब देखिए मैं आपको आइडियल सिचुएशन बता देता हूँ कि आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है। अगर यहाँ पर देखिए आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बाइंग होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब जब ट्रेंड के पास आ रहा है तो यहां पर बाउंस बैक हो रहा है। सो यहां पर भी अगर ये आइडियल सिचुएशन हो सकती है अगर ये हमको ट्रेंड लाइन के आसपास मिल जाए। देखिए गैप अप ओपन में आपको यहां पर सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं, बहुत ज्यादा टारगेट के लिए मत जाइएगा, छोटा टारगेट रखिएगा, 1:2, 1:3 के आसपास बुक कर लीजिएगा। मे बी अगर यहाँ पर कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है लाइक दिस, यहाँ पर जैसे गैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो वो जो सेटअप बनेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। देखिए आज भी मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को चीज़ें बता दी थी कि किस तरह से गैप अप ओपनिंग हुई है, क्या कौन सा लेवल ब्रेक होगा तो हमको बाइंग करनी चाहिए, कौन सा लेवल ब्रेक होगा तो हमको सेल करना चाहिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको, आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है
है क्योंकि वहां पर मैं कंटिन्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट वहां पर पोस्ट करते रहता हूँ। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, सारी चीजें वहां पर मैं बताते रहता हूँ। अब यहां पर अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो वो चीज मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा किस तरह ट्रेड करना है। मे बी अगर यहां पर फ्लैट ओपन होता है तो यहां से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब ये देख लीजिए, यहां पर अगर फ्लैट ओपन होगा तो यहां पर सेलिंग प्रेशर यहां पर आएगा, ठीक है। ये हमारा सेलिंग जोन और ये हमारा जो है बाइंग जोन, इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो ये हमारा बाइंग जोन होगा और यहां से बाउंस बैक आ सकता है। तो ये थी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में एनालिसिस करेंगे, निफ्टी ने फाइनली देखिए यहां पर जो रेड कलर की कैंडल तो जरूर बनाई है, बट ये कैंडल देखिए डोजी है। डोजी मींस अगर यहां पर हाई क्रॉस करती है तो हम यहां पर एक और अच्छी यहां पर मूव देखेंगे। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज, मैं बड़ी इंटरेस्टेड चीज दिखाने वाला हूं कि मैंने जो अपनी एनालिसिस करी थी वो मेरी एनालिसिस किस तरह से थी। अब मैंने यहां पर फीबो का यूज किया। फीबो को देखिए, मैंने कल की जो भी मूव थी मैंने उसको कैप्चर किया, तो ये मैंने फीबो को कैप्चर किया और यहां पर ये देखिए, ये जो लाइन ऊपर आप देख रहे हैं, चलिए मैं इसको मैं ड्रॉ करके ही आपको बता देता हूं, इस तरह से आपको समझ में आएगा। अब यहां पर देखिए, ये लाइन जो है मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये लाइन देखिए इसके आसपास आ रही है, ठीक है। तो मेरे को ये था कि जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं होगी तब तक मैं बाइंग के लिए नहीं जाऊंगा। सेकंड देखिए, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में एक चीज़ और बताई थी, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया वो मैंने इस फिबोनाची लेवल से जो है इस रेजिस्टेंस को मैंने फाइंड आउट किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको यहाँ पर इतना अच्छा जो क्लू दिया था वो किस बेस पर था। तब अब यहाँ पर चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले मैं यहाँ पर इस फिबोनाची लेवल को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज बन रही है, ये देखिए यहाँ पर एक रेंज बन रही थी और मैंने आप लोगों को ये रेंज जो है इस तरह से मैंने बनाकर दिया था। ये देखिए मैंने इस तरह से पैटर्न एक ड्रॉ करके दिया था और जैसे मार्केट ओपन हुई थी उसके 10-15 मिनट के बाद ही मैंने 5 मिनट के चार्ट में बना के दिया था। 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ और चीज़ें आपको समझाता हूँ। देखिए चीज़ें आपको समझ में आ जाए इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। अगर मेरे एनालिसिस से अगर आप 4 पैसे कमाने लग जाएँ तो उससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। तो फाइनली देखिए, मैंने ये लेवल आपको एक रेंज मैंने इस तरह से ड्रॉ करके मैंने आपको दिया था और मैंने दो एरो बनाकर दिए थे, एक एरो ऊपर की तरफ बनाकर दिया था, एक एरो नीचे की तरफ बनाकर दिया था। फाइनली देखिए यहां पर क्योंकि फिबो लेवल भी यहां पर प्रॉपर वर्क कर रहा था, सो यहां पर मेरे को पूरा फुल कॉन्फिडेंस था बैंक जो है निफ्टी 50 जो है नीचे की तरफ ही ब्रेक करेगा। और फाइनली देखिए जब यहां पर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है उसके बाद एक बार भी ऊपर के लेवल को टेस्ट करने नहीं गया। मीन्स अगर आपने यहां पर सेल किया होगा और यहां कहीं अपना स्टॉप लॉस रखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये पूरा फुल प्रॉफिट आपने राइड किया होगा। अगर आप इमोशन पे कंट्रोल करते हैं, अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो आपने फुल ट्रेल किया होगा, अदरवाइज आपने 1:1 भी बुक नहीं किया होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पर देखिए, जो यहां पर एक मार्केट में कंटिन्यू गिरावट हो रही थी, अचानक यहां पर बाउंस बैक क्यों आया, ये चीजें सोचने वाली होती हैं। इन चीजों के पीछे लॉजिक होता है, इन लॉजिक को हमको समझना चाहिए। जब तक हम इन लॉजिक को नहीं समझेंगे तब तक हम इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे नहीं बना सकते। सो यहां पर देखिए मार्केट में इतनी जबरदस्त गिरावट हो रही है कंटिन्यू, जब जब मार्केट यहां पर करेक्शन कर रहा है तब तक गिरावट हो रही है। यहां करेक्शन हुई, यहां गिरावट हुई, यहां करेक्शन हुई, यहां गिरावट हुई। आखिर इस गिरावट भरे मार्केट में हम बाइंग का कॉन्फिडेंस किस तरह से लेकर आए, हमको अगर बाइंग का ट्रेड लेना भी है तो हम कैसे, हमको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आपकी मदद करता है, डाटा एनालिसिस आपकी मदद करता है। अब यहां पर देखिए, अब मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको लेकर चलता हूं और मैं आप लोगों को यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं। अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया था, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था। अब ये ट्रेंड लाइन पे नजर मार के रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन देखिए कंटिन्यू जो है जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तो बाउंस बैक हो रहा है। यहां पे आया है, बाउंस बैक हुआ है, अगेन आया है, अगेन बाउंस बैक हुआ है। इस बार अगेन देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां फिर जो है हमको 2 बजे के आसपास इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमको ये कैंडल मिली थी। ये जो कैंडल है ये एक हैमर कैंडल है। देखिए हमारे पास कई मल्टी कन्फर्मेशन हो चुके थे। अब मैं आपको मल्टी कन्फर्मेशन की बात करूं तो फिर ये देखिए यहां पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, तो सबसे पहले हमने मान लीजिए ये सपोर्ट लेवल अपना ड्रॉ कर लिया, एक हमारे पास ये सपोर्ट हो गया। दूसरे कंफर्मेशन की बात करूं तो दूसरा कंफर्मेशन हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी, 2 कंफर्मेशन हो गए हमारे पास। तीसरे कंफर्मेशन की बात करूं तो हमारे पास ये हैमर कैंडल हमको यहां पर मिल गई थी। तो 3 कंफर्मेशन बहुत अच्छे होते हैं, कम से कम 3 कंफर्मेशन होने चाहिए, वहां से आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। तो फाइनली इस 3 कंफर्मेशन के बाद यहां पर मैंने कंटिन्यू बाइंग के कॉल दिए, अपने स्टूडेंट्स लोगों को भी दिए, ऑप्शन ग्रुप में भी दिए और मैंने अपने पर्सनल ग्रुप में भी दिए। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने मेरे ख्याल से अभी 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है और उसने मुझे फीस पे की, आज के आज उसने आज अपनी कंप्लीट फीस रिकवर कर ली सिर्फ इन 2 कॉल की बाइंग से। मैंने यहां पर ऑप्शन बाइंग कराई थी उनको अपने मतलब पर्सनल ग्रुप में, यहां पर ऑप्शन बाइंग कराई थी और उन्होंने मतलब जो है कंप्लीट की कंप्लीट फीस यहां पर जो है अपने आज रिकवर। तो देखिए जब तक आप लॉजिक नहीं समझेंगे किसी चीज़ का तब तक आप जो है इंट्राडे ट्रेड आपको वहां पर करने में कॉन्फिडेंस, देखिए जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक इंट्राडे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब देखिए हम यहां पर देखते हैं कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट हैं।
अब यहां पर देखिए, यहां पर बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी, जब यहां पर नीचे गिरनी स्टार्ट हुई तो ये करेक्शन के लिए ऊपर गई है, और करेक्शन के लिए ऊपर यहां तक ही क्यों गई, इससे ऊपर क्यों नहीं गई? अब देखिए इसके पीछे कारण है, ये लॉजिक है, ये देखिए पीछे, क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस था जहां पर निफ्टी बार बार जाकर यहां पर एक रेंज बना रही थी और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। जब इस लेवल को ब्रेक कर पाना मुश्किल हो रहा था तो एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। अब इसी को हमने एक्सटेंड करके आगे की तरफ किया, ठीक है ना। अब सेम देखिए, अगर आप करंट यहां पर देख रहे होंगे, जो हमने यहां पर अभी दो कैंडल यहां पर देखी है, सो ये लेवल भी अभी क्रॉस नहीं हो पा रहा है, मींस यहां पर भी रेजिस्टेंस फेस हुआ, अब यहां पर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, अब यहां पर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो कल देखिए हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है, मैं कल किस तरह से ट्रेडिंग करने वाला हूं, कल एक्सपायरी डे है, तो एक्सपायरी डे में देखिए बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। सो अगर आपके पास टेक्निकल अच्छा है और आपकी आपके लॉजिक अच्छे हैं और आप जो है ट्रेड की पकड़ रखते हैं, सो अब देखिए यहां पर क्या करना है निफ्टी में। यहां पर देखिए अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये लेवल, ठीक है ना। यहाँ फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ये रेजिस्टेंस 14,580 का है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इस तरह से देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी बट देखिएगा पूरा। यहाँ पर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। सो हमारा एक ये बाइंग का सिनेरियो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में आप यहाँ पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यू देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है पीछे 10 दिनों से डेली गैप अप ओपन, गैप डाउन ओपन इस तरह से ओपन हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, जो देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो ये हमारा सेलिंग जोन है और ये हमारा बाइंग जोन है। ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल और सरल भाषा मैंने आपको बता दिया। यहां से अगर गैप अप ओपन होती है तो हमारे पास यहां पर देखिए एक टॉप यहां पर बना हुआ है, एक टॉप हमको यहां पर मिल जाएगा तो हमारे पास यहां पर डबल टॉप पैटर्न यहां पर फॉर्म हो जाएगा। और डबल टॉप पैटर्न जब भी बनता है तो टेक्निकल एनालिसिस जब आप सीखेंगे, जब आप देखेंगे, या आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि डबल टॉप जब यहां पर बनता है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर आता है। और नीचे से देखिए, आप ध्यान से यहां पर देखिए जो ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, यहां से बार बार बाउंस बैक हो रहा है। तो यहां से बाउंस बैक हुआ, अगेन यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई है, यहां से बाउंस बैक हुआ, अगेन ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई है, यहां बाउंस बैक हुआ, और यहां पर आज आपने बिल्कुल आज फिलहाल में देखा कि यहां अगेन टेस्ट हुई और यहां से अगेन बाउंस बैक हुआ। तो यहां से मान लीजिए अगर गैप अप ओपन होता है तो यहां से सेलिंग आएगी, सेलिंग कहां तक आ सकती है, मे बी इस लेवल तक 14,580 तक यहां से बाउंस बैक हो सकता है। अगर ये 14,580 का लेवल फिर ब्रेक होता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो एक सोने पर सुहागा होने वाला है, यहां पर बाइंग के लिए बिल्कुल जाइए। सो देखिए मैंने बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट बता दिया तीनों आपको मैंने सिनेरियो। फ्लैट ओपन होता है तो यहां से अगर ब्रेक करता है तो ऊपर बाइंग के लिए जाइए, अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल पर आपको मिलता है तो सेल के लिए जाइए। देखिए यहां पर क्या हुआ है, देखिए वीडियो लंबी हो रही है मैं जान रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं। यहां देखिए क्या हुआ है, यहां पर गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद ही तुरंत सेलिंग आ गई। यहां भी देखिए कल भी यही हो सकता है, कल यहां से गैप अप ओपन हो सकता है, गैप अप ओपन होने के तुरंत यहां पर सेलिंग आ सकती है। और यहाँ पर देखिए जो क्लोजिंग आई है इसकी 14,558-560 के आसपास है। यहाँ अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में के सिनेरियो में देखिए आप जो काम कर सकते हैं इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आ सकता है, यहाँ से जो है निफ्टी बाउंस बैक हो सकती है। सो मैं कल जिस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, मैंने सारा कुछ खोल के आप लोगों के सामने रख दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, आपके साइकोलॉजी किस तरह से है, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए लेकर चलनी पड़ती है इंट्राडे में। ये सारी चीज़ें अगर आप लेकर चलेंगे तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या करता हूँ, मैं सच बताता हूँ कि आप जो है डेली बहुत मोटे पैसे यहाँ से बनाकर जाएंगे। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, वीडियो लंबी हो गई है कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो किस तरह से बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने वन डे का चार्ट लगा लिया और एक्सिस बैंक में हम आते हैं। एक्सिस बैंक में देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि जब तक ये ऊपर का हाई ब्रेक नहीं होता है 678 का लेवल, 680 के आसपास, तो हमने यहाँ पर बाइंग के लिए बताया था 678 680 का बाइंग करनी थी यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पर देखिए जो टारगेट मैंने आपको बताया था, ये बताया था 690 और 700 का, तो यहाँ पर 690 का टारगेट अचीव हुआ। अब यहाँ पर देखिए कल ये 690 के ऊपर निकलता है तो 700 रुपये के टारगेट के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा देखिए बंधन बैंक। तो बंधन बैंक फाइनली यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ देखिए मैंने हाँ ठीक है मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मे बी यहाँ पर अगर दो चार दिन यहाँ पर सस्टेन होती है तब यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। अगर यहाँ पर देखिए 385 का लेवल ब्रेक हो तो मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पर सेलिंग के लिए बताया था, जाकर पुरानी वीडियो देख लीजिएगा कल वाली। तो यहाँ पर देखिए 385 का लेवल जो है ब्रेक हुआ और यहाँ पर 370 एग्जैक्ट 370 मैंने आपको यहाँ पर टारगेट दिया था और वो टारगेट हमारे पास आ गया है। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है, अगर अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये एक सपोर्ट जोन है। देखिए अभी पिछला प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को एक
सपोर्ट इस तरह से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए अभी ये अब हमारे पास देखिए क्या हो गया, एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहां से सपोर्ट लेकर यहां पर बंधन बैंक बाउंस बैक हुआ था और मे बी अब इस ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट के आसपास अगेन है 365 के लेवल पर, तो यहां से अगेन यहां पर बाउंस बैक हो सकता है। बट अगर ये 365 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहां पर 350 और 330 का लेवल यहां पर क्लियर कट देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो फाइनली देखिए एचडीएफसी बैंक ने कल यहां पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अब देखिए यहां पर जो बाइंग करनी है हमको यहां पर 1500 की क्लोजिंग के ऊपर, एक बार 1500 का लेवल निकल जाए उसके बाद आप यहां पर इंट्राडे में ट्रेड बना सकते हैं, पोजिशनल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए मैंने बताया हुआ है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की ब्रेक नहीं होती है, तो देखिए फाइनली देखिए इसी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है और बार बार घूम जा रहा है। यहां पर देखिए यहां पर आया, अगेन घूम गया, अगेन देखिए रेड ट्रेंड लाइन के पास है, अगेन घूम गया। अब मे भी देखिए यहां पर जो गिरावट है ज्यादा हुई है, यहां गिरावट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद यहां गिरावट कम है, अब यहां गिरावट और कम है। तो देखिए ये जो साइन होता है, एक साइन होता है कि लेवल ब्रेक हो सकता है, मीन्स यहां पर अगर 560 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। और जब इस तरह के असेंडिंग चैनल लेवल ब्रेक होते हैं तो एक बहुत जबरदस्त मूव आती है, एक 90 डिग्री की मूव आती है। तो ध्यान रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक में अगर 560 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहां पर जो है बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को हमने यहां पर बाइंग करना है 975 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटेक बैंक। तो कोटेक बैंक देखिए मैंने यहां पर बताया था कि आप लोगों को ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर मे बी यहां से बाउंस बैक हो सकता है, बट अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहां पर जो लेवल देखने वाले हैं वो 1810 के आसपास। तो यहां पर देखिए अब यहां पर कंटिन्यू नीचे की तरफ चलते आ रहा है। अब यहां पर इसके लिए देखिए एक सपोर्ट है, अब ये देखिए सपोर्ट मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है। अब आप ध्यान से यहां पर देखिएगा, देखिए इस सपोर्ट के आसपास से देखिए बाउंस बैक हुआ था, ये जो सपोर्ट है देखिए स्टॉक मार्केट क्या करती है, स्टॉक मार्केट जो है हिस्ट्री को रिपीट करती है बार बार। तो यहाँ से जो है एक बाउंस बैक हुआ था, अब यहाँ से भी बाउंस बैक होने के चांस हैं कल यहाँ से, मे बी यहाँ से एक परफेक्ट लेवल है। अगर इसको बाउंस बैक होना है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये परफेक्ट लेवल है। अदरवाइज इसने जो है 1810 का लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 1880 का लेवल ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पर 1825 और 1810 का लेवल यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक देखिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, और रीटेस्ट फाइनली यहाँ पर अगर हम देखें तो रीटेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर बाइंग के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, 255 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं, टारगेट 260 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए दो दिनों से कंटिन्यू बहुत अच्छी मूव कर रहा है। यहाँ पर जैसा कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखिए हमारे पास जो अगला टारगेट बताया था मैंने वो बताया था 300 का, क्योंकि 300 के आसपास यहाँ पर एक हर्डल है, ये 300 के आसपास मैंने कल बताया था आपको, यहाँ पर 300 के आसपास यहाँ पर हर्डल है, और जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती मैंने टारगेट बताया था आपको कि 299 के आसपास बुक कर लीजिएगा या 299.50 के आसपास बुक कर लीजिएगा। बट यहाँ पर अब क्लोजिंग आ चुकी है, अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है, 300 के ऊपर क्लोज हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक अच्छी मूव देखने वाले हैं, मे बी दो दिन से काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, शायद थोड़ी सी छोटी कैंडल कोई बने प्रॉफिट बुकिंग है, ऐसा हो सकता है, बट यहां से अब हम एक इसमें अच्छी रैली देखने वाले हैं। फाइनली देखिए मैं आप लोगों के साथ एक स्टॉक की और बात करूंगा जो मैंने आज सवेरे, देखिए मैंने कल एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लिया था, सो मैंने इसलिए सोचा था कि मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, बट देखते देखते मैंने देखिए ऑप्शन में तो ट्रेड कोई नहीं किया, बट एक मैंने बजाज इलेक्ट्रिक मैंने कल मैंने एनालिसिस करी थी, और उस एनालिसिस के हिसाब से मेरे को इन इतने सारे स्टॉक्स में मेरे को एक बजाज इलेक्ट्रिक स्टॉक मेरे को मिला था जिसको मैं इंट्राडे ट्रेड कर सकता था। सो फाइनली अब देखिए मैं आप लोगों को 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि 5 मिनट के चार्ट में मैंने जो देखा था बजाज इलेक्ट्रिक को मैंने ट्रेड करने के लिए। तो फाइनली यहां पर देखिए मैं आ गया हूं। अब मैंने यहां पर क्यों ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, अब इसमें आपको बताता हूं कि 15 मिनट के अंदर जो है हमने 12-13% हमने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि जब यहाँ पर 725 का लेवल क्रॉस हुआ, 725 का लेवल क्रॉस होने के बाद ही हमने इसमें जो है बाइंग बनाई, और मे भी मेरा टारगेट था 750 के आसपास के, 750 के आसपास यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा, बट यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का टाइम ही नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए ये जो है एक लेवल था, ये 723 पॉइंट कुछ का, ये देखिए ये जो है ये ग्रीन कैंडल पे नज़र बनाइए, देखिए वीडियो लंबी हो रही है और मैं कंटिन्यू लंबी करते जा रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ये देख लीजिए आपकी नॉलेज ही बढ़ाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक रेंज बनी थी, और जब इस तरह के रेंज ब्रेकआउट होते हैं तो फाइनली हमको वहाँ पर एक बहुत अच्छे टारगेट हमको मिलते हैं। तो फाइनली देखिए यही मेरी एनालिसिस थी कि ये जब रेंज ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, और फाइनली यहाँ पर रेंज ब्रेक हुई, 723 पॉइंट कुछ का हाई लगा हुआ था, तो मैंने 725 पे अपना ऑर्डर रख दिया, और ऑर्डर रख के शायद मैं कोई काम करने लग गया या फिर मैं स्क्रीन को देख नहीं जाता, और उसने एकदम से जो है देखिए 832 के आसपास जाकर इसने हाई लगाया, और जब मैंने देखा तो ये 809-810 के आसपास चल रहा था, और देखते देखते मैंने तुरंत प्रॉफिट बुक किया और उसमें से निकला। मींस मतलब 15 मिनटों के अंदर यहां पर हमको जो है 12% की मूव मिली, 87 पॉइंट्स की हमको यहां पर मूव मिली, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, 500 क्वांटिटी इसमें हमने ट्रेड करी थी।
चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेवल्स लेके आता हूँ। इंट्राडे में इंट्राडे के लेवल्स निकालने थोड़े मुश्किल होते हैं, बट सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, अपने ट्रेड प्लान आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दूसरा, अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑप्शन ट्रेडर है तो आपके लोगों के लिए बहुत यूजफुल चैनल है, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को इंट्राडे की, देखिए मैं घंटे घंटे आधे आधे घंटे पर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन सारी चीजें वहां पर मेंशन करते रहता हूं। सो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।